हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस की सीरीज है उसमें पहला वीडियो आपने देखा होगा, हम लोगों ने बात करी थी कि एक अगर छोटी कोचिंग क्लास है तो उसकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप क्या स्टेप्स कर सकते हैं बहुत बेसिक बिगिनर लेवल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी होटल का ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, होटल की ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी ट्रैवल इंडस्ट्री की ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो इन दैट केस आपके कुछ बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए इनिशिएट करने के लिए उसके डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए आपके इनिशियल बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो उनको मैंने यहाँ पर लाइन अप करके रखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है? सिचुएशन एनालिसिस का मतलब ये है कि अभी करंट स्टेटस उस पर्टिकुलर होटल का या उस पर्टिकुलर जो हमारी ट्रेवल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस है उसका करंट स्टेटस क्या है, मतलब अभी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स किस तरीके से हैं, अभी उसका बजट कितना है, अभी उसके वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। देखो ये क्योंकि स्ट्रेटजी इसलिए आप इस पर एक फोकस नहीं कर सकते कि मैं केवल SEO की बात करूं, मैं केवल डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, मैं केवल फेसबुक एड्स की बात करूं, मैं केवल ट्विटर की बात करूं, तो ये काम यहां पर नहीं होने वाला है क्योंकि ये स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी गाइस हमेशा 360 डायमेंशंस में। तो जब आप सिचुएशन एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि भैया उस पर्टिकुलर जो होटल है उसकी वेबसाइट का क्या स्टेटस है, क्या उसकी वेबसाइट जो होटल्स हैं उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। नॉर्म्स मतलब जो बेसिक चीज है, जैसे होटल्स में क्या होता है कि बुकिंग का एक सेपरेट पोर्शन होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, अच्छे अच्छे वीडियोस वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए, फोटोज होनी चाहिए, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, तो ये क्या सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, जो होटल के बेडरूम्स हैं उन सब का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वहां पर है कि नहीं, जो उनकी फैसिलिटीज हैं उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, हाइजीन वगैरह के बारे में उन्होंने वहां पर अच्छी तरीके से मेंशन कर रखा है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से, होटल के हिसाब से आपको पूरी वेबसाइट को पहले रिव्यू करना है कि वहां पर वो सारी चीजें हैं कि नहीं, और दूसरी बार लैंडिंग पेज है कि नहीं वहां पर। तो ये सारी बेसिक चीजें सिचुएशन एनालिसिस में आती है। अब सिचुएशन एनालिसिस में अलग अलग डायमेंशंस हो गए, फेसबुक पेज को रिव्यू करने के लिए कुछ दूसरा बंदा होगा, ठीक है, उसी तरीके से वेबसाइट को रिव्यू करने के लिए SEO का पर्सन होगा, उनके बजट को रिव्यू करने के लिए जो आपका टीम लीडर होगा वो उनसे डिस्कशन करेगा। तो ये सारी सिचुएशन एनालिसिस होती है कि वास्तव में इनका अभी बजट कितना है, इनकी अभी करंट स्टैंडिंग कितनी है। और उसके साथ एक और अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं जो स्पेसिफिकली होटल इंडस्ट्री के लिए होता है, वो पॉइंट ये है कि अभी उनके पास रूम्स कितने हैं, यानी वो कितने लोगों को अभी वो रोक सकते हैं, उनके होटल में कितने लोगों की बुकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है और साथ में अभी कितनी बुकिंग्स हो रही हैं। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब कितने वो लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम उनके होटल्स में कितना स्टे हो सकता है और अभी करंट सिचुएशन में वो कितना स्टे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेंगे आप अगर आप किसी होटल इंडस्ट्री के लिए जो है डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या ओवरऑल मार्केटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व है इन दैट केस। तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, इसको नोट कर लेंगे, यही आपको आगे की ग्रोथ बताएगी क्योंकि आपका जो होटल क्लाइंट होगा वो यही कहेगा भैया हमको बुकिंग्स तो मिली नहीं, हमको लीड्स तो मिली नहीं। तो उसके लिए आपको वो गैप तो ढूंढना पड़ेगा ना पहले कि भाई 100 लोगों को ये रोक सकते हैं, 100 लोगों का स्टे अवेलेबल है, यहाँ पर 50-55 ऑलरेडी आ रहे हैं, तो हमारा टारगेट 45 है। तो उसके लिए देखो अब नंबर्स आपको मिल गए कि हमारा टारगेट 45 है, तो उसके लिए आप बजट भी बना सकते हैं, वेबसाइट को भी चेंज कर सकते हैं, फेसबुक की भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सिचुएशन एनालिसिस में यही सारी चीज़ें आती हैं। तो काफ़ी टाइम प्रोसेस है, 15-20 दिन 25 दिन एक महीना तक लग जाता है कभी कभी जो बड़े होटल्स होते हैं उनकी सिचुएशन एनालिसिस करने में, तब जाके कहीं एक परफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन आप सेट कर पाते हो और अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाते हो। तो जल्दबाजी में नहीं रहना है, कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है क्योंकि अगर स्ट्रेटजी गड़बड़ हो गई आप लाख कोशिश कर लो कैंपेन आप नहीं चला पाओगे, ठीक है। फिर क्या होगा, क्लाइंट बजट लगाता जाएगा, आपको अपना सर्विस चार्ज मिलता जाएगा, लेकिन 1-2 महीने बाद जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वो अपने आप को आपसे डिटैच कर लेगा। तो ये सिचुएशन ना आए इसके लिए सिचुएशन एनालिसिस पे ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब आपको क्लाइंट बताएगा कि उसका मेन गोल क्या है। उसका गोल है क्या वो लीड्स चाहता है, क्या वो अपने पेज के ऊपर बुकिंग्स चाहता है, लीड कन्वर्ट कराने की उसके पास पर्टिकुलर टीम अवेलेबल है, उसको बस आप लीड्स किसी तरीके से लाके दे दो, या वो कहता है नहीं लीड्स वगैरह कुछ नहीं, मुझे तो अपनी अभी क्या करना है, मुझे अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, मुझे लीड्स पे अभी फोकस नहीं करना है, अभी आप मेरा केवल ब्रांडिंग पे फोकस करो, मेरी अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये एक होटल है और ये इस टाइप की सर्विसेज
प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी चलेगी बाद में। जैसे होटल की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो होटल इंडस्ट्री में अगर आप अवेयरनेस पे आ रहे हैं तो आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से बदल जाएगी। अगर आप लीड जनरेशन पे आ जाएंगे तो आप फिर पेड एड्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, पेड एड्स से मुझे याद आया कि मुझे कमेंट्स में भी किसी वीडियो में आया था कि लोग पेड एड्स से इतना भागते क्यों हैं, आप पेड एड्स से इतना परेशान क्यों रहते हैं, कि पेड एड्स जो है ना वो आपके बजट को खा जाएगा और आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पेड एड्स की खास बात क्या है भैया, आपको सारा ऑप्शन मिल ही रहा है ना, आपको ऑप्टिमाइज करने का नहीं समझ में आता, अगले दिन पॉज कर दो, चेंज कर दो। तो ये पेड एड्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप इससे बिल्कुल मत डरे कि भैया पेड एड्स में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा पूरा बजट खत्म हो जाएगा, हमारी जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी, हमारा फाइनेंशियल बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा, हमारा तो बजट उतना है ही नहीं, ये सब बात के बातें। अगर ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में परफॉर्म करना है तो ऑर्गेनिक के साथ साथ, मैं ऑर्गेनिक का वेटेज कम नहीं कर रहा हूँ, बट पेड एड्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। केवल ऑर्गेनिकली आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं ग्रो कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव्स पे आपको समझना है कि हर एक अलग केस का एक अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे लीड जनरेशन है, उसको पेड एड्स में हम जाएंगे, जब वो हमसे कह रहे हैं कि हमारी केवल ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाओ, उस वक्त हम कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कंटेंट मार्केटिंग में हमें कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और कंटेंट के सारे डायमेंशन में जाना पड़ेगा, चाहे वो वीडियो हो, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे गिफ्ट फाइल्स हो, सब पे जाना पड़ेगा जब हम ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं। इन दैट केस अगर हम बोलते हैं कि नहीं ठीक है लीड जनरेशन चाहिए, तो अच्छे कीवर्ड्स चुनेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग जो है ऐड वाला जो सेगमेंट होता है ना उसकी तरफ मोड़ेंगे अपना दिमाग और वहां पर चले जाएंगे, एड्स लगाएंगे, लीड्स आएंगे, डेफिनेटली उनको कन्वर्ट करते हैं, दैट्स ऑल। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आगे की कहानी चलेगी होटल इंडस्ट्री में, इसलिए मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव्स बन गए, सिचुएशन एनालिसिस हो गई, दोनों काम हो गए अच्छी तरीके से हो गए, अब आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब आप कहोगे सर ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ही तो इतनी देर से चल रहा था। ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है कि किस तरीके से हम काम को बाइफरकेट करेंगे। देखो, सिचुएशन एनालिसिस मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में, जब सिचुएशन एनालिसिस में हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से जो है अलग अलग डायमेंशन होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, उन सब में आपको कंपनी प्रेजेंस को या होटल प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में हम एक स्पेसिफिक गोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ठीक है भैया हमारा ये काम है, हमको इसी पे स्टिक रहना है पहले एक महीने तक। अब उस काम को करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया गूगल एड्स का भी प्लेटफॉर्म हो सकता है उसमें, फेसबुक का भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, SEO भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। तो उनके लिए अब हमको स्ट्रैटेजीज बनानी कि इसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे, इस सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर कैसे काम करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो ये सारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होगा। होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बार में कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है, या एक प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। और जनरली जैसे मैंने पुराना वाला जो वीडियो था, कोचिंग क्लासेस का वीडियो था, उसमें बजट की लिमिटेशन थी, इस वाले होटल्स वाले सेगमेंट में जनरली बजट की लिमिटेशन नहीं होती, एक ये जनरल परसेप्शन है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टैक्टिक्स, क्या करेंगे हम, कितने वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है, कितने फोटोज़ बनाएंगे, रोज कितना पोस्ट करेंगे, ये सारी टैक्टिक्स जो हैं होटल इंडस्ट्री रिलेटेड जो टैक्टिक्स हैं वो आ जाएंगी हमारी फोर्थ वाले पॉइंट में। फिफ्थ में हमको एक्शंस दिखाने, मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना, सब चीज़ों को एक साथ इम्प्लीमेंट कर देना। तो ये पांच ऐसी चीज़ें हैं, पांच ऐसी थीम हैं जो आपको बेसिक लेवल पर होटल इंडस्ट्री की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हेल्प करने वाली है। बाकी आपको कॉन्टिन्यूसली टच में रहना है जो होटल इंडस्ट्री के, जो आपके होटल के ओनर्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे उनके साथ, क्योंकि वो आपको अपनी ऑडियंस सेट और ये सब वही बता पाएंगे, क्योंकि आप तो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते नहीं हो, तो इन दैट केस आपके लिए मुश्किल होगा उसका ऑडियंस सेट निकालना। तो वो आपको एक थीम देंगे, उस थीम के ऊपर आपको ऑडियंस सेट क्रिएट कर देना है। तो गाइज ये सारे जो हैं एक्शंस आपको लेने हैं जब आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होटल इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री की क्रिएट करेंगे। बहुत बूम पे है इंडस्ट्री, अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं आज की भी डेट में, हमारे पास भी कुछ क्लाइंट्स हैं, अच्छे क्लाइंट्स, पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं और पेशेंस होता है उनके अंदर, उनको पता है 3 महीने 4 महीने ये चीज़ लग जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग लव एंड सपोर्टिंग अस। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।